नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव का घमासान चरम पर पहुंच चुका है। कल यानी बुधवार को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले कई अहम घटनाक्रम वहां देखने को मिले हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की हालत इस बार कमजोर है। यही वजह है कि अब वो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निजी हमले करने पर उतर आए हैं और साथ ही जनता दल यूनाइटेड की प्रचार सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इधर राष्ट्रीय जनता दल में लालू की जगह चुनाव प्रचार की कमान संभाले उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी आक्रामक तरीके से नीतीश के हमलों का जवाब दिया है। एक अन्य घटनाक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक वीडियो संदेश जारी कर बिहार सरकार की जमकर आलोचना की। इस सबके बीच ये देखने लायक हो गया है कि बिहार की जनता का मूड क्या है। तो चलिए अब के बार क्या बोले बिहार कार्यक्रम के जरिए बिहार की सियासी नब्ज की पड़ताल करते हैं। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर सोमवार की शाम को थम गया। 28 अक्टूबर को इस चरण में 16 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा के 29, कांग्रेस के 21, माले के 8, हम के 6 और वीआईपी के 1 प्रत्याशी इस चरण में ताल ठोके हुए हैं। इसी प्रकार रालोसपा के 43, लोजपा के 42 और बसपा के 27 उम्मीदवार हैं। लोजपा के 42 उम्मीदवारों में 35 जदयू के खिलाफ हैं, वहीं 6 हम तथा 1 वीआईपी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में अब तक पार्टियों पर ही हमले हो रहे थे, लेकिन अब व्यक्तिगत हमले भी होने लगे हैं। नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए लालू परिवार पर तंज कसा। नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा कि जिनके 8-8, 9-9 बच्चे हैं, वो भी विकास की बात करते हैं। बेटों की चाहत में बेटियां पैदा होती गईं। नीतीश के इस तंज पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी हमारे बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पीएम के भी तो 6-7 भाई बहन हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी थक चुके हैं, वो हमें कितना भी गाली दें, लेकिन वो बेरोजगारी गरीबी पर बात नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बोली वो बोलते हैं तो वो सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। ना उनकी करनी अच्छी है, ना कथनी।
किसान और युवा आज निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। बिहार में बीजेपी नेतृत्व राज्य सरकार को लेकर बने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। गठबंधन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को प्रमुखता दे रही है। चुनावी पोस्टर से लेकर रैलियों में मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बिहार में चुनावी माहौल को देखते हुए बीजेपी बेहद सतर्क है। उसके केंद्रीय नेता आरजेडी और कांग्रेस पर तो हमलावर है ही, साथ ही अपनी रणनीति पर भी तेजी से अमल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पहले दौर के चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से जनता का गुस्सा सामने आया है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ी है। पहले की तरह नीतीश कुमार का पुराना जादू अब नहीं दिख रहा है, बल्कि कई जगह विरोध ही सामने आया है। हालांकि इसमें विरोधी दलों का हाथ हो सकता है, लेकिन बीजेपी माहौल को देखते हुए सतर्कता बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। बिहार का विधानसभा चुनाव इस लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जरिए लालू प्रसाद यादव का परिवार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। ये चुनाव इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इस बार भी यदि एनडीए की वहां पर जीत नहीं हो पाती है तो नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर और अमित शाह के लिए भाजपा के रणनीतिकार के तौर पर ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। हम आपको बता दें, इस राज्य के पिछले चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद एनडीए नहीं जीत सका था। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन ने सरकार बना ली थी, बाद में समीकरण बिगड़े और आज की तारीख में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। लव कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कल होने वाले मतदान को लेकर राज्य में चल रही गतिविधियां क्या क्या कहती हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। लव कुमार मिश्रा जी, कल जो पहले चरण का मतदान होने जा रहा है उसके पहले जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने पर्सनल अटैक किया है लालू यादव की ज्यादा संतान होने पर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई जगह नीतीश कुमार का फैक्टर कमजोर नजर आ रहा है और यही वजह है कि उनकी पार्टी जेडीयू जो अपने एनडीए अलायंस के प्रचार सामग्री में नरेंद्र मोदी के छाया चित्र फोटोग्राफ्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो क्या वाकई बिहार में इस तरीके की स्थिति देखने मिल रही है? पूरे बिहार में स्थिति है। दो तीन और घटना चक्र में बता दू, जिसमें आज का ही है मुंगेर का। मुंगेर में कल चुनाव होने वाला है और कल रात में वहाँ 11:30 बजे पुलिस फायरिंग हुई। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी बोलिए कृपया आप। जी आ रही है। कल रात में वहाँ दुर्गा जी के मूर्ति के विसर्जन का कार्यक्रम था, वहाँ के डीएम और एसपी चाह रहे थे कि मूर्ति का विसर्जन का कार्यक्रम दिन में हो जाए, जबकि वहाँ के परंपरा के अनुसार वो मूर्ति विसर्जन 10-11 बजे रात में निकलता है और सुबह में माने आज सुबह में विसर्जन होता है, लेकिन प्रशासन ने कल दिन में बल प्रयोग करके 11 बजे मूर्ति का विसर्जन का कार्यक्रम निकाला और वो प्रोसेशन कुछ देर के बाद गया होगा, तो प्रशासन वालों ने जल्दी बोला कि उसको 5 बजे के पहले शाम में ही विसर्जन करना है। मुंगेर वासियों ने इसका विरोध किया कि यहाँ की परंपरा भंग हो रही है। उसके बाद बल प्रयोग हुआ, मिलिट्री फोर्स जो आई हुई है वहां कल के चुनाव के लिए, दोनों में थोड़े पहले पत्थरबाजी हुई, बाद में पुलिस फायरिंग भी हुआ, जिसमें ऑफिशियली 1 आदमी मारा गया है और 6 लोग घायल हैं। वहां के एसपी का कहना है कि 22 पुलिस वाले भी घायल हैं। आज सुबह में उसका रिएक्शन हुआ, वहां के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रणव कुमार यादव, वो खुद धरने पर बैठ गए हैं। मुंगेर बहुत पहले भाजपा का भी गढ़ होता था, बिहार के बहुत बड़े मंत्री लोग केंद्र सरकार में मुंगेर से ही चुन के जाया करते थे।
और सबसे जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ अभी थोड़ी देर पहले का उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से इस घटना का संज्ञान लेने की अपील की है और ये निवेदन किया है कि प्रशासन पे कार्रवाई हो। दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बयान है, भाजपा के ही वरिष्ठ सदस्य और जो मनोनीत मेंबर है राज्यसभा के राकेश सिन्हा जी का, उन्होंने भी ये लिख दिया कि घटना रोकी जा सकती थी और सत्ता रूढ़ दल के सदस्य होने के बाद भी उन्होंने डिमांड किया कि एक्शन होना चाहिए दोषी अधिकारियों पर। कल चुनाव है इसलिए इम्पोर्टेंट ये थोड़े दोनों बयान हो जाते हैं बीजेपी के नेताओं के, बड़े महत्वपूर्ण जनता दल के किसी भी नेता का बयान नहीं आना एक शंका पैदा करता है। क्या अभी तो एक चिराग पासवान ने भी अभी थोड़ी देर जस्ट अभी बयान एक भेजा है कि मुंगेर के एसपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा हो। उनका ये आरोप है कि वो मुंगेर की जो एसपी है वो जनता दल की राष्ट्रीय महासचिव हैं आरसीपी सिंह, जो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते थे, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। ये सडन जो ट्विस्ट आया लास्ट 24 आवर्स में, ये रिश्ता बताता है कि भाजपा और जनता दल में कहीं न कहीं तो खटपट हो गया, कहीं न कहीं गड़बड़ है। 3 दिन पहले पटना के सभी हिंदी अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में पेज वन पे फ्रंट पेज पे फुल पेज विज्ञापन छपा था, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार का फोटो था, नीतीश कुमार की अपील थी मतदाताओं को। अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने भी फ्रंट पेज फुल पेज एडवर्टीजमेंट इशू किया, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का फोटो था, नरेंद्र मोदी की अपील थी भाजपा है तो भरोसा है। तो ये जो अभी तक चल रहा था कि दोनों काफी यूनाइटेड हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है, इसका असर लगता है पोलिंग पे पड़ जाएगा। जी जी मिश्रा जी, ये जो मुंगेर की जिस घटना का आपने जिक्र किया है और जैसा कि आपने भी इस बात की संभावना जताई कि ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते ना होने की बात कह रहा है, तो इसका ज्यादा फायदा आरजेडी को मिलता दिख रहा है आपको, या चिराग पासवान भी इसका किसी तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेने की स्थिति में है? डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करने का प्रयास तो करेगा ही, इसलिए देखिए इतना हो गया है, चिराग पासवान तक का बयान आ गया है, लेकिन अभी तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ नहीं बोला है मुंगेर की घटना पर। और अपने श्रोताओं के लिए दर्शकों के लिए क्लेरिफिकेशन देना जरूरी होगा कि मुंगेर की घटना एक सांप्रदायिक घटना नहीं है, बिल्कुल जी आम जनता की घटना थी, कहीं भी वो दो संप्रदाय वाले लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, गलत फहमी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए शायद हो सकता है बीजेपी भी इतना काफी अग्रेसिव हो रही है कि चुनाव आयोग तो इंटरवीन करने के लिए यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं, ये गंभीर बात हो गया है। दूसरा जो कल चुनाव होने वाला है आपने जान ही लिया हो, 71 जगह पर है, 2,18,00,000 वोटर्स हैं, 16 जिलों में फैला हुआ है, ये जो 16 जिले हैं जी जी वह सभी एक वक्त जातीय संघर्ष में और माओवादी संघर्ष में से घिरे रहते थे। जी बैसेकर जो नाम दिया गया था सब इन्हीं सेंट्रल बिहार के जिलों में हुआ था, इवन जो मुंगेर है हाँ जी वो भी नक्सलिज्म के लिए काफी कुख्यात था। जी जी जगहों में इम्पोर्टेंस इसीलिए इस बात का, और जो एग्जिस्टिंग असेंबली है 2015 में जो लोग चुने गए थे जी जी यहाँ सबसे ज्यादा आरजेडी आई थी 23 सीट। मिश्रा जी मैं इसी संदर्भ में आपसे अगला सवाल करना चाह रहा था, पहले फेज का जैसा आपने बताया कि अखबारों में जो इश्तेहार दिए गए 2 दिन पहले उनमें नीतीश कुमार अकेले थे, फिर बीजेपी ने जारी किया उसमें नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई थी, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर हम एनडीए का फैक्टर देखें तो बीजेपी और जेडीयू, और अगर हम आरजेडी का फैक्टर देखें महागठबंधन का तो आरजेडी और कांग्रेस, तो इन दोनों
स्थितियों में बीजेपी जेडीयू पर भारी दिख रही है या और क्या आरजेडी कांग्रेस पर तो जाहिर बात है भारी दिख रही होगी, लेकिन क्या कांग्रेस की कुछ भी मजबूत स्थिति नजर आ रही है वहां पर? महागठबंधन में भी वही समस्या है। आज पटना की सड़कों में भी थोड़ी देर घूमने निकले थे, जहां जहां जाइए आप मोदी का ही पोस्टर नजर आ रहा है, जहां जहां जाइए सिर्फ तेजस्वी यादव का ही होर्डिंग नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के होर्डिंग में न तो किसी कम्युनिस्ट के लीडर का नाम फोटो है, न किसी कांग्रेस के नेता का। हो सकता है इधर रिसोर्सेज की भी कमी हो, लेकिन एनडीए में तो दोनों पार्टियों के पास काफी रिसोर्सेस हैं, काफी पैसे वाले लोग हैं, फिर भी एकला चलो वाला लगता है कैंपेन ये लोग का चल रहा है। शुरू में याद होगा पहली बार जब 11 तारीख को एनडीए की रैली हुई थी गया में, वो लॉकडाउन में के बाद पहली रैली थी इलेक्शन के लिए पूरे देश में, वहां गठबंधन एनडीए के सभी बड़े नेता लोग उपस्थित थे। खुद आरसीपी सिन्हा जो सेक्रेटरी जनरल वो थे, हम के जीतन राम मांझी थे, शाहनी जी थे वीआईपी पार्टी के। लेकिन बाद में लगता है धीरे धीरे, तीन चार दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जाते हैं वहाँ बीजेपी का कोई नेता उनके साथ नहीं होता है। और जहाँ यहाँ कल ही की बात है, नड्डा जी का दो कार्यक्रम था, एक पूर्णिया में भी था, वहाँ भी जनता दल का कोई नेता शामिल नहीं था। ये थोड़ा मतदाताओं में या उनके जो पार्टी के कैडर के लोग हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन पैदा करने लगा है अब। मिश्रा जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बिहार में क्या स्थिति दिख रही है आपको इस फेस के उसमें अगर परिप्रेक्ष्य में देखें? आप देखिए नीतीश कुमार जी की कई सभाएं इधर से हो रही है और नीतीश जी कई जगहों पर थोड़ा उत्तेजित भी हो रहे हैं। 2015-14 में इस तरह का मैंने मूड कभी इनका पब्लिक मीटिंग में देखा नहीं था। लगता है शायद उनको भी कुछ वो फीडबैक साइन नहीं मिल रहा होगा या मतदाताओं का जो बिहेवियर के स्वभाव में हो रहा है तो उससे थोड़ा वो विचलित हो रहे हैं। मैं मुझे लगता है कैंटीन कम्बेंसी का जो मूड है कहीं ना कहीं से उनको फीडबैक मिलने लगा होगा। तो ये जो अभी तक बिहार में जो एक चुनावी सिनेरियो दिख रहा था वो ये था कि सीधा सीधा मुकाबला नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव है। साफ साफ नजर आ रहा था कि भाजपा भले ही बहुत अच्छी स्थिति में सेंट्रल में हो लेकिन इस राज्य में वो काफी हद तक नीतीश कुमार की पार्टी के रहमो करम पर है। कांग्रेस की स्थिति तो खैर पिछले चुनाव के समय से ही खराब चल रही थी। इस सारी इक्वेशन में क्या इस वक्त कोई बदलाव आया नजर आ रहा है आपको? बदलाव नहीं हुआ, बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई है चुनाव में, एग्रेसिव मूड में खुद है वो, और अकेले ही नीतीश के बिना भी लगता है नैया को पार निकालने के लिए लगी हुई है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। 2015 में ये लोग 27 लोग चुन कर आए थे, शायद उतना इस बार आना संभव नहीं हो। इस वक्त फाइट डायरेक्ट हो गया है आरजेडी वर्सेस जनता दल यू, और उसका फायदा बीच में बीजेपी निकाल रही है, पट्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो। आज तो लोक जनशक्ति पार्टी का बयान भी आ गया है कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों को जिताने के लिए मदद करें। जी जी जी, कल चुनाव है और आज इस तरह का बयान है ना, आप समझ सकते हैं। ऐसे दो दिन पहले ही राजेंद्र सिंह जो लड़ रहे हैं नोखा से, रिबल बीजेपी कैंडिडेट हैं और स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, पुराने संगठन के हैं, उनके समर्थन में चिराग की पब्लिक मीटिंग हो रही तो बीजेपी की झंडे फहराया जा रहा है। जी जी मिश्रा जी, ये बातचीत करने के लिए हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लव कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार पटना से, जिन्होंने बताया कि वहां पर बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है जो एनडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक दरार आती नजर आ रही है। और इस बीच उनका ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि भाजपा वहां ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, भाजपा ज्यादा आक्रामक तरीके से अब अटैक कर रही है और बीच इस स्थिति का लाभ अगर किसी को मिलता दिख रहा है तो वो फिलवक्त जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में
कल पहले चरण का मतदान होना है। जबरदस्त सियासी गहमा गहमी के बीच में मुंगेर की घटना ने वहां कई नए समीकरण बनाने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ दल पर, जनता दल यूनाइटेड पर, उसका जो अलायंस है, जो सरकार में गठबंधन सहयोगी बीजेपी, वही हमलावर हो चुका है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस मामले की चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, इसकी शिकायत उन्होंने करने की बात कही है। वहीं चिराग पासवान ने भी कहा है कि इस मामले में मुंगेर की जो एसपी हैं उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस सारे मामले पर अब तक चुप्पी साध कर रखी है। हम इस बात को दोहरा देना चाहेंगे कि मुंगेर में जो कुछ हुआ वो सांप्रदायिक घटनाक्रम नहीं है। वहां दुर्गा प्रतिमा का प्रशासन द्वारा समय से पूर्व रात से पहले विसर्जन करवा दिए जाने के चलते इस तरीके की स्थिति बनी थी। अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। प्रकाश जी, अभी हमारी पटना में बात हुई और वहां से जो संकेत मिले हैं वो ये हैं कि बिहार में पहले चरण के चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच तेजी से मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। मुंगेर में कल गोली कांड हुआ है, वहां पर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर एक व्यक्ति की मौत के बाद वहां बीजेपी ने कहा है कि चुनाव आयोग इसमें दखल दे, और जबकि नीतीश की पार्टी की तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं आया है। बिहार में क्या होता नजर आ रहा है आपको पहले फेज में? देखिए रत्नाकर, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी बड़े स्ट्रेटजिकल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, चूंकि कांग्रेस का और राजद का गठबंधन है, तो जो अदर्स क्लासेस हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया। जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, वो इस बार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही, तो 15 साल की यदि एंटी इनकम्बेंसी कहीं सरकार के खिलाफ जाती है तो उसका बंटवारा राजद की तरफ होने की बजाय या महागठबंधन की तरफ होने की बजाय वो आदर्श साइड में चला जाए। तो हम देखेंगे कि कहीं बिखरा हुआ चुनाव है वहां का, और जितिन राम मांझी अलग लड़ रहे हैं, चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा तरीके से उन्होंने इस चीजों को डिवाइड किया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान बीजेपी के खाते में या नीतीश कुमार के खाते में दर्ज होना हो वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनको अगर बहुमत में कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो उस चुनाव को आसानी से निकाल लेंगे। जी जी जी, तो सुना आपने अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी को, जिनका कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटने के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हर पार्टी डरती है। हो सकता है बिहार में भी इसी तरीके का एक स्ट्रेटेजिकल मूव चला हो, आगे क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमें कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।